17 तारीख से अमेजोन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो शुरू हो रही है, और मैं फिलहाल आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ अच्छी डील्स। तो मैंने अमेजोन को ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ अच्छी डील्स है जो आप ले सकते हैं, इस सेल के अंदर आप उसके लिए जा सकते हैं। तो मैं इसको प्राइस वाइज डिवाइड करूँगा ताकि आप जो अपने प्राइस के हिसाब से और अपने नीड के हिसाब से फ़ोन को ले सकें। फ्लिपकार्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करें केवल अमेज़न की, क्योंकि जो ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, बाकी इसमें आपको HDFC के कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। तो जितने भी प्राइस मैं बताऊंगा वो डिस्काउंट को हटा करके है 10% वाले को, बाकी जो प्राइस ड्रॉप हुए हैं कंपनी की तरफ से वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी आप अगर अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने प्रोडक्ट मैं बताऊंगा और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी चैनल की भी हेल्प हो जाती है और आपको भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ता। बाकी आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते ही हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम अपने जो और प्रोडक्ट्स हैं आ रहे हैं तो सेल के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि स्मार्टफोन्स पर कौन कौन सी डील बेटर चल रही हैं। वैसे बात करते हैं पहले फ़ोन की, तो अगर आप स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग मतलब कि 6000 के आसपास फ़ोन लेना चाहते हैं तो रेडमी का एक फ़ोन आ रहा है फिलहाल, रेडमी का 9A, वो आपको 6499 का देखने के लिए मिल जाएगा। 2+32GB वाला वेरिएंट, आपको अच्छी डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.53 इंच की और G25 प्रोसेसर मिलता है। हैवी गेम नहीं खेल पाओगे बट नॉर्मल गेम्स, नॉर्मल गेमिंग आराम से कर लोगे, फ्री फायर वगैरह भी आप खेल सकते हो, इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फ्री फायर वगैरह के लिए लेना है मोबाइल और नॉर्मल काम करना है तो आपके लिए बेटर हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि गेमिंग के लिए आप इस फ़ोन को मत लीजिएगा, इवन फ्री फायर के लिए भी मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 2GB की रैम देखने के लिए मिल रही है और गेमिंग के लिए कम से कम 4GB की रैम तैयार होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आपको एक एंट्री लेवल फ़ोन चाहिए बिल्कुल घर के यूज़ के लिए, आपको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना उसके ऊपर, देन आप आराम से रेडमी 9A की तरफ तब जा सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोन है, काफ़ी अच्छी डील्स इसके ऊपर मिली है मुझे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके, ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M21। भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको केवल 12,999 देखने के लिए मिल रही है और ये 10% के डिस्काउंट से मतलब कि पहले है, 10% का डिस्काउंट जो है HDFC कार्ड का वो नहीं लगाया है, अगर आप वो भी लगा लेते हैं तो आपको ये लगभग 12,000 रुपये का पड़ जाएगा। 12,000 रुपये में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 20MP की सेल्फी, 48MP का ट्रिपल कैमरा और 6000mAh की बैटरी, मतलब कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस फ़ोन। मतलब अगर आपको सुपर एमोलेड चाहिए, और सुपर एमोलेड हर किसी को चाहिए होती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो आपकी डिस्प्ले है उसका, और आप काफ़ी अच्छा अपना कंटेंट एन्जॉय कर सकते हो उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक मोबाइल हो सकता है। मतलब हैवी गेम्स भी नहीं खेल पाओगे, नॉर्मल गेम जो हैं और इवन जो फ्री फायर वगैरह है आप भी आराम से खेल पाओगे, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल पाओगे बट उसमें लैग वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्री फायर वगैरह के लिए और नॉर्मल गेमिंग के लिए ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इवन पबजी भी इस पर काफ़ी ठीक चलता है तो आप पबजी वगैरह भी प्ले कर सकते थे, बट अभी फ़िलहाल बैन हो चुका है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन ये एक मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 एक अच्छी डील के रूप में मिल रहा है। बाकी इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। रेडमी की तरफ से एक और फ़ोन आ रहा है, रेडमी नोट 9 प्रो, बिल्कुल पोको M2 प्रो की तरह ही है। फ्लिपकार्ट पर पोको M2 प्रो था और यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो है, सेम प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है 12,999 रुपये, और यहाँ पर भी सारे स्पेक्स सेम है। 720G सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 720G की पावरफुल परफॉर्मेंस आपको इसी फ़ोन के अंदर मिलती है और नोच वाली डिस्प्ले आपको नहीं मिलती, यहाँ पर पूरी पंच होल डिस्प्ले मिलती है, सेंटर में पंच होल मिलता है, बैक साइड में 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 16MP की सेल्फी मिलती है। तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। तो आप पोको M2 की तरफ चले जाओ, पोको M2 प्रो की तरफ, या फिर इसकी तरफ चले जाओ, बात एक ही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके आसपास अमेज़न की डिलीवरी अच्छी है या फिर फ्लिपकार्ट की। इसके अलावा जो एक और फ़ोन है वो रेडमी का नोट 9 है, जो आपको पहले 12,000 का मिलता था 4+64, इस समय ये 11,000 का हो गया है, 10999 का, और यहाँ पर आपको मीडियाटेक के हीलियो G85 की परफॉर्मेंस, पूरी पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिलती है, बट यहाँ पर सेंटर में पंच होल नहीं मिलता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी, 22.5W का चार्जर, 22.5W का चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 13MP की सेल्फी मिलती है और 48MP का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस फ़ोन और फुल HD+ डिस्प्ले भी मिलती है। तो हर कुछ, हर किसी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है रेडमी के, रेडमी नोट 9 में। 11,000 मेरे ख्याल से इसके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्राइस है, तो आप इसकी तरफ भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। एक फ़ोन और है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, फर्स्ट टाइम आपको 15999 का देखने के लिए मिलेगा,
64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर है और पंच होल डिस्प्ले, सेंटर में पंच होल है, काफ़ी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस आपको मिलती है। और कई सारे रिव्यूअर ने इस फ़ोन को अंडर 20,000 बेस्ट कैमरा फ़ोन कहा है। तो 64 मेगापिक्सल और आपको MIUI 12 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, अब तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल रहा है विद स्नैपड्रैगन 720G। एक काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है जो मेरे ख्याल से 16,000 में बुरा नहीं है और 16,000 में ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है, तो आप इसकी तरफ भी एक बार जा सकते हैं एक अपने कैमरा एक्सपीरियंस के लिए और गेमिंग एंजॉय के लिए। एक फ़ोन और है और ये फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड नहीं है, मतलब ये iOS पर है, iPhone 11। ये आपको मिल रहा है 47,999 रुपये का, तो एक अच्छी डील आपके लिए साबित हो सकती है iPhone को लेना। एप्पल की A13 बायोनिक चिप आपको मिल जाएगी इस प्राइस में 47,000 के आसपास, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कैमरा रिजल्ट तो एप्पल के हमसे लाजवाब होते ही हैं, तो आपको एक अच्छा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस इस प्राइस में विद कैमरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों ही आपको फ्लैगशिप लेवल के मिलेंगे, तो इस डील को भी आप देख सकते हैं अगर आपका जो बजट है वो 40,000 के आसपास है, तो 47,999 में आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। वन प्लस एट फाइव जी अभी आपको 39,999 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 865, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छी मिल जाती हैं, स्पेशली इनका ऑक्सीजन OS जिनकी तारीफ़ों के पुल लगभग हर इंसान बांधता ही बांधता है, इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और ऑक्सीजन OS का जो मज़ा है वो उठा सकते हैं विद फ्लैगशिप कैमरास। और डिस्प्ले भी आपको A1 क्वालिटी की मिलती है फ्लूड एमोलेड 19Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका बजट 40,000 के आसपास दिखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे डील्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर है, ओप्पो A52 है, रेडमी 9 है, सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन हैं, नोट M31 है, M31S है, तो यहाँ पर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। ओप्पो का A52 है, मतलब इस प्राइस में इनसे भी अच्छे फ़ोन है, रेडमी का भी, रेडमी नोट 8 वगैरह है, 8A डुअल है, OnePlus 70 Pro है, iPhone 7 है, ओप्पो A5 है, OnePlus 70 है, सैमसंग गैलेक्सी S10 है, वीवो A17 है, मतलब कि इतने अच्छे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इतनी अच्छी डील्स नहीं हैं ये इनके सामने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डील्स थी जो आप बाय कर सकते हैं, आप इनकी तरफ जा सकते हैं और आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको मिल सकती है। तो त्यौहार का फ़ायदा उठाइए, इन फ़ोन्स को बाय कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले फ़ोन चलाने का और आपके जो कैमरा रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आएँ और आपको लगे भी ना कि आपने कहीं पैसा वेस्ट किया है। तो बाकी जिन सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन सबको बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।